तो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। 17 मार्च से शुरू हो रहा है होलाष्टक, जानिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ ही आप बता दें तो होलाष्टक में ही खरमास भी 14 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होता है। आइए जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च से हो रहा है और होली पर्व का आरंभ होलिका दहन से 8 दिन पहले फागुन शुक्ल अष्टमी को हो जाता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च को होगा और होलिका दहन होने तक होलाष्टक रहेगा। होलाष्टक में खरमास भी लग जा रहा है, 14 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस दौरान विवाह आदि कार्य नहीं होते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार होलाष्टक के 8 दिनों में कोई नवीन या शुभ मंगल कार्य नहीं होता है। वैसे कोई अशुभ समय काल नहीं है, लेकिन होलाष्टक में मंगल कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश ये सब नहीं होता है। तो होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें, आइए फटाफट जान लेते हैं। दरअसल होलाष्टक में गृह प्रवेश करना हुआ या जमीन खरीदना हुआ या कोई वाहन नया खरीदना हुआ ये नहीं होता है। तो ऐसे में होलाष्टक में इन 8 दिनों में आप ये सब चीजें मत करिएगा। ऑफिस की ओपनिंग हुई या सगाई हुई या किसी का रोका हुआ या विवाह संस्कार हुआ ये सब कुछ नहीं होता है। कोई बड़ी खरीदारी भी होलाष्टक में नहीं करनी चाहिए और होलाष्टक आरंभ 17 मार्च से हो जाएगा और होलाष्टक समाप्त होकर 24 मार्च को होलिका दहन के बाद 1 माह तक नहीं हो सकेगी शादियां। विवाह मुहूर्त आपको बताते तो इस बार होलाष्टक के दौरान 14 मार्च से खरमास भी शुरू हो जाएगा जो 13 अप्रैल तक रहेगा। इस कारण लगभग 1 महीने के लिए कोई विवाह मुहूर्त नहीं है। विवाह आदि कार्य 13 अप्रैल के बाद ही प्रारंभ होगा। तो अप्रैल में जो विवाह का मुहूर्त होगा वो आपको जान लीजिए। दरअसल अप्रैल में 18 तारीख, 20 तारीख, 21, 22, 23 और 25 और 26 अप्रैल तक विवाह का मुहूर्त है। होलाष्टक खरमास के बाद ये होगी शुभ विवाह की तारीखें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही मई और जून में गुरु और शुक्र अस्त होने यानी तारा डूबने के कारण कोई साया नहीं होगा। और जुलाई में जो विवाह का मुहूर्त है वो 9 तारीख, 11 तारीख, 12, 13, 15 और 17 है। यानी देखा जाए तो मई और जून में भी विवाह का मुहूर्त नहीं होगा। अप्रैल और जुलाई में ही विवाह का मुहूर्त है और मार्च में 17 तारीख के बाद से भी कोई मुहूर्त नहीं रहने वाला। तो एक अपडेट था, होलाष्टक में क्या करना है क्या नहीं करना ये मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रहे कि होलाष्टक में न गृह प्रवेश करिएगा, न जमीन खरीदिएगा, न वाहन खरीदना चाहिए। साथ ही विवाह का भी कोई संस्कार नहीं होता। ऑफिस की ओपनिंग वगैरह भी मत करिएगा, नए काम नहीं करने हैं। और साथ ही आपको बता दें तो 14 मार्च से ही खरमास लग जाएगा। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।